My name is Rani Bhatia. I am the teacher of class nursery. Good morning, children. Welcome to the class nursery. आज मैं आपको curve बनाना सिखा रही हूँ. एक बार इससे पहले भी मैंने curve वाला work दिया हुआ है, लेकिन आज second time मैं curve सिखा रही हूँ, क्योंकि अब हमें letter B बनाना है. तो इसके लिए हमें सबसे पहले हमारा बी लेटर बनाने से पहले हमें इसका बेस क्लियर होना चाहिए हमें. तो इस तरह से उसका सबसे पहले हम स्टार्टिंग में कर्व बनाना सीखेंगे. तो अगर हमारा कर्व बनाना हमें आ जाएगा तो हम फिर बी लेटर, सी एंड डी सब बना सकते हैं लेटर. तो इस तरह से आज मैंने कर्व दिया है आपको. तो इस तरह से आपको थ्री कर्व बना के टू लाइन की डॉट्स पास पास में देनी है, जिससे बच्चे को कर्व बनाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए. और बच्चा जब कर्व आसानी से बना लेगा तो उसके में टू लाइंस को बनाने के बाद उसमें कॉन्फिडेंस आ जाएगा. और उसके बाद मैंने लास्ट की जो लाइंस में मैंने सिर्फ ओनली टू डॉट्स में कर्व बनाना सिखाया. तो इस तरह से आपको फर्स्ट की टू लाइंस में पास पास में डॉट देना है, और लास्ट की जो लाइंस बचेंगी उसमें दूर दूर में डॉट्स बनाकर सिर्फ टू डॉट्स में कर्व बनाना सिखाना है. तो सबसे पहले आप फर्स्ट लेटर आप बना के दिखाएंगे. तो फर्स्ट कर्व आपने बना के दिखाना है बच्चे को कि इस तरह से बना. और अब बच्चों का हाथ चलने लगा है, और अगर नहीं भी चलता है बच्चे का हाथ तो आपको पकड़ कर फर्स्ट कर्व आपको बनाना है. और फिर उसके बाद बच्चे को बोलना है कि इस लाइन को इन डॉट्स को मिलाते हुए एक कर्व बनाना है. इसको हम ट्रेस करना भी कहते हैं. अगर हम डॉट्स को मिलाते हुए एक कर्व बनाते हैं तो इसको ट्रेस करना कहते हैं. तो इस तरह से बच्चे को ये डॉट्स मिलाते हुए कर्व बनाना है. जब बच्चा इस तरह से डॉट्स मिलाते हुए कर्व बना लेगा तो यहाँ पर तो बहुत इजी है टू लाइंस में बनाना, क्योंकि हमने पास पास में डॉट दी हुई है. तो बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो बच्चा ईजीली बना लेगा. और जब यहाँ पर हमने टू डॉट्स में कर्व बनाने के लिए बोला है तो टू डॉट्स में बच्चे को थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है, बट अगर वो बच्चा ट्राई करेगा तो वो बना लेगा. तो इसके लिए भी आपको एक कर्व आपको बना के दिखाना है कि बच्चे को बोलना है कि इस तरह से इस डॉट को ऐसे सर्कल करके. तो हो सकता है आपको हाथ बना कर भी, हाथ पकड़ कर भी उससे बनवाना पड़े, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. आप हाथ पकड़ कर उसे वन कर्व बनवाइए, और उसके बाद उसको बोलिए कि इस तरह से इस डॉट को इस डॉट से कर्व के हेल्प से बनाना है. तो इस तरह से जब आप बताएंगे बच्चे को तो बच्चा इजीली बना लेगा, और इससे उसका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और पेंसिल भी ग्रिपिंग आएगी अच्छी. तो इस तरह से वो कर्व बना लेगा. इसमें आपको वन पेज आपको सी डब्ल्यू करवाना है, और वन पेज आपको एस डब्ल्यू की प्रैक्टिस करानी है. इस कर्व की प्रैक्टिस आपको और अच्छे से करानी है. अगर बच्चा नहीं कर पाता है तो आप इसी पेज पे बच्चे को एक बार करवाइए, फिर उसके बाद इसको वापस इरेज करवा कर फिर एक बार करवाइए. जब तक बच्चा अपने आप कर्व बनाना नहीं सीख लेता, जब तक आप इसी पेज को आप बार बार इरेज करवाइए और बार बार आप बनवाइए. तो इसी को रिपीट करवाइए, तो आप बार बार इरेज करवाएंगे और बार बार करेंगे तो बच्चे को प्रैक्टिस हो जाएगी कि हमें ऐसे ही कर्व बनाना है. तो इस तरह से आपको सी डब्ल्यू और एच डब्ल्यू वन वन पेज की प्रैक्टिस करानी है. थैंक यू.